हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एपी सीरीज़ लेकर आया हूँ। आज हम एपी सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। एपी सीरीज़ समांतर श्रेणी, आज हम इसका मीनिंग और कुछ रूल्स और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो मीन सीरीज की शुरुआत करते हैं। मीनिंग, द सीरीज विच हैज इक्वल डिफरेंस कॉल्ड एपी सीरीज, वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। इट्स फुल फॉर्म इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे एपी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है और इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट एन टर्म, एन पद ज्ञात करने का सूत्र। एन हम कैसे निकालते हैं, कौन सा वह फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आज हम पढ़ेंगे। एपी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या होता है, ए है फर्स्ट टर्म प्रथम पद। डी डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो हमारा दूसरा पद होता है उसमें से पहले पद को घटाते हैं वो हमारा डी होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। एन फाइंड आउट वैल्यू, एन की ज्ञात की जाने वाला पद या एन। आगे है फोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है उसे हम समझेंगे। यह एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है या इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। फोर एग्जाम्पल, इन द सीरीज 4 8 ट्वेल्व सिक्सटीन डे डे डैस टेंथ ट्रम बिल बी, 4 8 12 16 डे डे डैस दसवें पद का मान ज्ञात करना है हमें। दसवें पद का मान होगा, दसवां पद हमें हमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था ए क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद है हमारा 4, तो ए की वैल्यू होगी हमारी 4। डी हम कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, डी टू माइनस डी वन, तो ओ ए टू माइनस ए वन, सॉरी ये गलती से बोल दिया था मैंने, डी टू ये है ए टू माइनस ए वन, मीन्स दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 माइनस 4 बराबर 4। हमारा ए भी 4 है, डी भी हमारा 4 है। अब ये एन बराबर 10 क्यों है। एन एन क्या होता है, एन होता है जिसका भी जोन से पद का हमें मान निकालना है, दसवें का ग्यारहवें का, तो हम उसी ही को यहाँ पर लिखते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ते हैं। ए पी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह फॉर्मूला है। ए पी एन हमारा है 10, 10 रख दिया बराबर, ए हमारा 4, एन माइनस वन, एन हमारा है 10 माइनस 1 और डी हमारा है 4। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। 4 का 4 4 प्लस, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर उसकी गुणा करके और आगे वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर सही आ जाता है। तो 10 में से 1 गया 9,
और 9 चौक 28, 9 चौक 36, 36 + 4 = 40 हमारा सही आंसर है। यूज़ ऑफ फॉर्मूला दिस इज यूज इन सम कंडीशन। इस सूत्र जो है, सूत्र है, फॉर्मूला है, इसका प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। मीन्स वह कौन सी स्थिति है, कब इसका फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तम पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है टू नाउ एंट्रम। एन पदों का मान ज्ञात करने के लिए जब भी हमें एन पद निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट टू मेक ए सीरीज, सामांतर श्रेणी बनाने के लिए जब हम श्रेणी बनाते हैं तो भी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म ए एंड डिफरेंस वैल्यू डी, हम प्रथम पद तक, ये दो बार आ गया है गलती से पद, प्रथम पद तथा सर्व अंतर ज्ञात करने के लिए भी इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर 9568876464 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।